हेलो एवरीवन। सो पैराजम्बल्स के पेयर्स बनाने में दिक्कत होती है, आंसर्स ठीक नहीं निकलते, राइट? तो पांच गोल्डन रूल्स बता रही हूँ, इनको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, लिख भी लेना इनफैक्ट अपनी नोटबुक्स में, और इनको आप अप्लाई करोगे आपके पैराजम्बल्स के ऑलमोस्ट सारे पेयर्स ठीक बनेंगे। तो एक एक करके सारे रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे रूल है, दैट इज रूल नंबर वन। सबसे पहला रूल क्या है, जब भी आपके पैराजम्बल में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट में राम लिखा हुआ है, दूसरे स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है, या हिम लिखा हुआ है, या फिर कह सकते हैं दैट पर्सन लिखा हुआ है, या फिर दिस मैन लिखा हुआ है, मतलब एक नाउन और उसका जो प्रोनाउन है, या फिर हिज लिखा हुआ है, उसका जो एडजेक्टिव है, या फिर दैट लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है, दोज लिखा हुआ है, दीज लिखा हुआ है, सच लिखा हुआ है, इनफैक्ट। तो हमेशा याद रखना कि जो नाउन वाला स्टेटमेंट है, ये हमेशा इन सारे स्टेटमेंट से पहले आएगा, कभी भी बाद में नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या कहता है, कि जो नाउन है वो हमेशा अपने प्रोनाउन या एडजेक्टिव से पहले ही आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट और आता है इट का। इट जब नॉर्मल प्रोनाउन की तरह आता है, फॉर एग्जाम्पल बैग इसका नाउन है और इसका जो प्रोनाउन है वो इट है, तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इट वाला स्टेटमेंट है वो बाद में आएगा, है ना? अगर बैग लिखा हुआ है किसी एक स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में इट लिखा हुआ है, तो इट वाला स्टेटमेंट बाद में आएगा, बैग वाला स्टेटमेंट पहले आएगा। लेकिन जब इट स्यूडो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, स्यूडो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, स्यूडो सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा कि ये जो इट है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इट इज रेनिंग, कि बारिश हो रही है, तो इट जो है किसी नाउन का प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में ये स्टार्टिंग में आ सकता है, अदरवाइज जो इट होगा वो हमेशा अपने नाउन के बाद में ही आएगा। तो जब भी आपको कोई पैराजम्बल मिले, नाउन ढूंढो, प्रोनाउन ढूंढो, नाउन वाले स्टेटमेंट को पहले लगा दो, प्रोनाउन वाले स्टेटमेंट को बाद में लगा दो, या फिर नाउन ढूंढो, एडजेक्टिव ढूंढो, नाउन वाले स्टेटमेंट को पहले लगा दो, उसके एडजेक्टिव वाले स्टेटमेंट को बाद में लगा दो। बात करते हैं रूल नंबर टू की। अगर कहीं भी किसी स्टेटमेंट में अ आर्टिकल दे रखा है और कोई दूसरा स्टेटमेंट है वहां पे उसी नाउन के साथ द आर्टिकल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है आई मेट अ मैन, मैं एक इंसान से मिली, यहाँ पे लिखा हुआ है द मैन्स नेम वॉज ढोलू, मैन का जो नाम था वो क्या था, ढोलू था। तो ये जो ए स्टेटमेंट है ये पहले आएगा, बी स्टेटमेंट बाद में आएगा, मतलब किसी नाउन के साथ आर्टिकल अ लगा हुआ है, किसी और सेंटेंस में उसी नाउन के साथ आर्टिकल द लगा हुआ है, तो अ आर्टिकल हमेशा पहले आता है एज कंपेयर्ड टू द आर्टिकल द। रूल नंबर टू क्लियर सभी को? चलो रूल नंबर थ्री पर आते हैं। रूल नंबर थ्री कहता है, जब भी कोई आपको जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात हो रही है, फिर किसी और स्टेटमेंट में दिल्ली की बात हो रही है, तो जो इंडिया वाला स्टेटमेंट है वो पहले आएगा, दिल्ली बाद में आएगा, मतलब जो जनरल स्टेटमेंट है वो पहले आता है। वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, तो वर्ल्ड वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, इंडिया वाला बाद में आएगा। इंडिया और दिल्ली की बात हो रही है तो इंडिया वाला पहले आएगा, दिल्ली बाद में आएगा। दिल्ली और कृष्णानगर की बात हो रही है तो दिल्ली पहले आएगा, कृष्णानगर बाद में आएगा। मतलब हम बड़े लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम धीरे 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 करके नीचे की तरफ जाते हैं। तो जनरल स्टेटमेंट ऑलवेज कम्स बिफोर द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्लियर ये वाला रूल? चलो अगले की बात करते हैं। कंजंक्शंस अगर पैराजंबल में मिल जाए तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाती है, मतलब पेयर्स बनाना बहुत 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 आसान हो जाता है अगर हमको कंजंक्शंस मिल जाते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल हमें कंजंक्शन मिले, पहली कैटेगरी ऑफ कंजंक्शंस हमें कौन से मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कंजंक्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बट मिल गया, फॉर एग्जाम्पल हमें ऑन दी अदर हैंड मिल गया, फॉर एग्जाम्पल हमें हाउ एवर मिल गया, वाइल मिल गया, वाइल मिल गया,
और हमें नेवर द लेस मिल गया, नॉट विथ स्टैंडिंग मिल गया, ये सारे कंजंक्शंस मिल गए, तो पेयर कैसे बनाओगे कि ये वाले कंजंक्शंस ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करेंगे. पॉजिटिव है बीच में बट लगा हुआ है तो आगे वाली टोन नेगेटिव होगी, नेगेटिव है बीच में हाउएवर लगा हुआ है तो आगे वाली टोन पॉजिटिव. तो ये जो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कनेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे आप पेयर्स आसानी से बना सकते हो. फिर अगर आपको एडिशनल कैटेगरी के कनेक्टर्स मिल गए, एडिशनल कैटेगरी का मतलब क्या है, एडिशनल कैटेगरी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया एंड मिल गया, कहीं कहीं आपको मोर ओवर मिल गया, कभी आपको कहीं आपको इन एडिशन टू मिल गया, तो ये सारे कनेक्टर्स क्या करते हैं, सेम टोन को कनेक्ट करते हैं. वो अमीर है साथ की साथ उसके पास बहुत अच्छा टैलेंट भी है, एडिशनल कैटेगरी, तो अमीर है पहले आएगा, साथ की साथ बहुत सारा टैलेंट भी है नीचे आएगा, तो एडिशनल कैटेगरी में आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, दो सिमिलर टोन्स को आप कनेक्ट करते हो. बहुत बार आपको रिजल्ट एंड रीजन मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज मिल गया कहीं, दस मिल गया, देयरफोर मिल गया, तो आप कैसे कनेक्ट कर लेते हो, रिजल्ट ये है मैम, रीजन ये है, बीच में कंजंक्शन दिया हुआ था तो इन दोनों का पेयर होगा, तो ये वाले कनेक्टर्स ढूंढना स्टार्ट किया करो. बहुत बार आपको ऐसे मिल जाता है फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली फोर्थली, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो. तो दिस इज रूल नंबर 3 कि जब भी आपको कंजंक्शंस मिल जाते हैं तो आप पेयर्स आसानी से बना सकते हो. अगले रूल की बात करते हैं, दैट इज रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर आपको फुल फॉर्म कहीं दे रखी है, शॉर्ट फॉर्म कहीं दे रखी है, तो फुल फॉर्म वाला स्टेटमेंट हमेशा पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म वाला स्टेटमेंट हमेशा बाद में आएगा. या फिर कहीं आपको किसी का पूरा नाम दिया हुआ है, निमिषा बंसल दिया हुआ है, किसी और स्टेटमेंट में आपको सिर्फ निमिषा दिया हुआ है, तो निमिषा बंसल वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, निमिषा वाला स्टेटमेंट बाद में आएगा. तो फुल फॉर्म या फुल नेम जो है वो शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नेम से या निक नेम से हमेशा पहले आता है. इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और, अगर आपको पैराजम्बल दिया हुआ है और वहां पे ऑथर आपको कोई कहानी सुना रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि नैरेटिव टोन अगर ऑथर की, अगर वो कहानी सुना रहे हैं, तो हमेशा इवेंट्स को कैसे लगाओगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओगे, मतलब जो पहले हुआ है वो पहले आएगा, जो बाद में हुआ है वो बाद में आएगा, 2010 पहले, फिर 2012, फिर 2014, फिर 2018, या फिर सुबह पहले, फिर दोपहर, फिर रात, या फिर पास्ट टेंस पहले, प्रेजेंट बाद में, और फिर फ्यूचर. तो जब भी आपको पैराजम्बल में इस तरह के इवेंट्स दे रखे होते हैं तो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, टाइम के हिसाब से चलते हैं, बट टोन नैरेटिव होनी चाहिए, कोई कहानी ऑथर सुना रहे हैं अगर. तो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बहुत बार फ्लो भी हमें हेल्प करता है पैराजम्बल का सीक्वेंस निकालने में. फॉर एग्जाम्पल फ्लो क्या होता है जनरल, कि इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स बताएंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद सोल्यूशन बताएंगे, और लास्ट में हम सजेशन बताएंगे. तो ओवरऑल पैराजम्बल का फ्लो यही होता है, इंट्रोड्यूस किया, डिटेल्स बताई, प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन बताया, और लास्ट में सजेशन बताया. तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पैराजम्बल फ्लो करता है. तो ये 5-6 कॉन्सेप्ट्स थे पैराजम्बल्स को लेके, अगर ये क्लियर है तो आप खूब सारी प्रैक्टिस करो पैराजम्बल्स की, पैराजम्बल्स आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा. और डोंट वरी, मैं इस चैनल पे भी आपको बहुत सारे पैराजम्बल सॉल्व करवाने वाली हूँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम पैराजम्बल्स को सॉल्व करेंगे, तो ये वाला डर तो हम खत्म कर ही कर देंगे, राइट? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और मिलते हैं आगे की क्लासेस में.